देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं, जिससे पॉजिटिविटी दर भी बढ़ रही है। केंद्र व राज्य सरकारें कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश दे रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मरीजों का ग्राफ बढ़ने के बीच अधिकारियों को प्रदेश में सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही लखनऊ सहित NCR के जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बीच संक्रमण को रोकने के लिए अधिक सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। इसी के चलते माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल में प्रवेश करने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि NCR के स्कूलों में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्कूलों में विशेष सावधानी बरतते हुए सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अन्य सभी स्टाफ के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना मास्क लगाए स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाए। वहीं यूपी के सभी स्कूलों में छात्रों को हैंड वॉश और सैनिटाइज के बाद ही विद्यालय में प्रवेश कराया जाए। गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि अगर स्कूल में किसी भी अध्यापक, छात्र या कर्मचारी को बुखार, खांसी, जुकाम से संबंधित लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के परामर्श के साथ घर पर सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में शनिवार को 226 नए मामलों के साथ राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन गया है।